जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस के 10 खतरनाक हथियारों के बारे में। यूक्रेन के साथ चल रहे जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों से हमला करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि नाटो देशों के कुछ बड़े नेता रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों से हमला करने की धमकी दे रहे हैं। अपने देश की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुतिन की इस धमकी के बीच अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। रूस भले ही 7 महीने में यूक्रेन को जीत नहीं पाया, लेकिन उसके पास अभी भी इतनी सैन्य क्षमता है जो अमेरिका समेत किसी भी देश के लिए चिंता का कारण हो सकती है। आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं रूस के 10 खतरनाक हथियारों के बारे में। नंबर 1 A-235 PL-19 नूडोल रूस का एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। यह धरती का चक्कर लगा रहे सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। यह 15,000 किलोमीटर ऊंचाई तक की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट पर हमला कर सकता है। नंबर 2 रूस ने जिक्रोम नाम का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाया है। इसकी अधिकतम रफ्तार 6 मैक हवा में आवाज की गति से 6 गुना तेज होती है। इसके चलते मिसाइल को ट्रैक करना और नष्ट करना बहुत ही कठिन होता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल हमला करने आ रहे बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है। नंबर 3 अमेरिका के बाद रूस एकमात्र एक ऐसा देश है जिसके पास लंबी दूरी तक हमला करने वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हैं। रूस के पास TU-160 जैसा सुपरसोनिक बॉम्बर है। इसके साथ ही रूसी कंपनी पाकाडा नाम का स्टिल्थ बॉम्बर भी बना रही है। इस बॉम्बर को 5,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल से लैस किया जाएगा। नंबर 4 सुखोई TU-57 पांचवी पीढ़ी का रूसी लड़ाकू विमान। यह हवा में उड़ान के दौरान पूरी तरह रुक सकता है और किसी UFO की तरह मंडरा सकता है। हवा में दो विमानों के बीच होने वाली लड़ाई में यह क्षमता काफी काम आती है। इससे विमान हमला करने आ रहे मिसाइल को चकमा दे सकता है और खुद को मिसाइल फायर करने की स्थिति में ला सकता है। नंबर 5 रूस के सुखोई परिवार के लड़ाकू विमानों को दुनिया के सबसे बेहतर लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। रूस की सेना के पास SU-30, SU-34, SU-35 फाइटर प्लेन है। 2 इंजन वाले ये विमान हवा से हवा की लड़ाई और जमीन हमला करने वाले बेहद सक्षम माने जाते हैं। ये विमान रूसी वायुसेना के बैकबोन है। इनकी मुख्य खासियत लंबा रेंज और बड़े हथियार ले जाने वाली क्षमता होती है। नंबर 6 याशेन क्लास सबमरीन रूस की मुख्य हमलावर पनडुब्बी है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली इस सबमरीन को लंबे समय तक पानी के नीचे रखा जा सकता है और यह 600 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकती है। यह लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने वाले क्रूज मिसाइलों से लैस है। नंबर 7 सकवाल रॉकेट टारपीडो को पानी के अंदर आगे बढ़ने के लिए रॉकेट इंजन से ताकत मिलती है। इसकी रफ्तार 555 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह किसी आम टॉरपीडो से 6 गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। रॉकेट इंजन की मदद से टॉरपीडो के चारों ओर एक गैस बबल बन जाता है। इससे टॉरपीडो को पानी में चलने की मदद मिलती है। तेज रफ्तार के चलते इसके हमले से बचना कठिन होता है। नंबर 8 माइक्रोवेव हथियार दुश्मन के हथियारों के इलेक्ट्रिक सिस्टम को नाकाम कर देता है। इस हथियार को BU के मिसाइल सिस्टम पर फिट किया जा सकता है। यह दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। यह हथियार विकिरण विस्फोट का विसर्जन करता है जिससे मिसाइल या ड्रोन का इलेक्ट्रॉनिक और गाइडेंस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नंबर 9 यूरेन-9 कॉम्पैक्ट रोबोट टैंक की तरह काम करता है। सैनिक इसे दूर रहकर ऑपरेट कर सकता है। आकार में छोटा यह रोबोट कई तरह के घातक हथियारों के लैस है। यह एंटी टैंक मिसाइल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर कर सकता है। इसमें 30 mm का तोप और एक मशीन गन लगा है। नंबर 10 रूस के पास दुनिया का सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है। रूसी सेना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही नई पीढ़ी की तरह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम S-500 को भी रूस ने बना लिया है। रूसी सेना इस सिस्टम की टेस्टिंग कर रही है। S-400 का रिस्पांस टाइम 9 से 10 सेकंड है, वहीं S-400 का रिस्पांस टाइम 3 से 4 सेकंड। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।